पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक माह के लिए स्थगित कर दी है। ऐसा राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण किया गया है। 12वीं की परीक्षाएं पहले 22 मार्च से ही शुरू होनी थी, अब ये परीक्षाएं 20 अप्रैल से होगी, जबकि 10वीं की परीक्षा 9 अप्रैल से शुरू होनी थी, ये परीक्षा अब 4 मई से शुरू होगी। बता दें कि इससे पहले पंजाब शिक्षा विभाग ने स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था, हालांकि तब ये कहा गया था कि राज्य में परीक्षाएं जारी रहेंगी, परीक्षाएं ऑफलाइन ही करने की बात कही गई थी। पंजाब में बोर्ड परीक्षाएं अब एक महीने देरी से शुरू होगी। 12वीं की 22 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षाएं अब 20 अप्रैल से 24 मई तक होंगी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 24 मई तक चलेगी। परीक्षाओं के समय में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 10वीं की परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक होगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी। परीक्षाओं से संबंधित ज्यादा जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर ही ली जा सकती है। बता दें कि पंजाब में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इससे मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके साथ ही कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले मिलने के बाद पंजाब सरकार की टेंशन भी बढ़ गई है। इससे पहले पंजाब सरकार ने शुक्रवार को राज्य में 12वीं तक के स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी थी। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।